मेरे पास वीना है 54 साल की, और इनके पति हैं रमेश कुमार जो 62 साल के हैं। और रमेश कुमार जो है वो बालाजी एक्शन में अपना ट्रीटमेंट ले रहे हैं किडनी का, और वीना भी थोड़ा सा सांस का प्रॉब्लम है इनको। और अभी रिसेंटली इनके बेटे ने इनके इनके ऊपर हमला करके जो है इनका हाथ तोड़ दिया है। तो मुझे क्यूरियोसिटी हुई कि मैं जानूं कि क्यों तोड़ दिया, कैसे हुआ, और ये घटनाएं जो हैं कि हमारे बच्चे जो हैं माँ बाप के ऊपर फिजिकल असॉल्ट कर रहे हैं, दूसरे तरीके से तो सता ही रहे हैं, लेकिन इस तरीके की घटनाएं जो बढ़ रही हैं बड़ी शर्म वाली हैं, निंदनीय हैं। तो हम वीना से मालूम करते हैं। वीना जरा ब्रीफ में बताओ, ये क्या कैसे घटना हुई, ये क्यों हुई? वही घर में जैसे तकरार, जहाँ अपने पापा भी बच्चे हाइपर रहते हैं, अगर सही बात हम उनको समझाते हैं तो वो उनको नहीं समझ पाते, बस ये तो दिक्कत ये घटना कैसे हुई है जो आपको हाथ पे है। इन चुरा, पे अटैक करा था कब बेटा, की बात जैसे है ये, ये अभी 13 तारीख तेरह की बात है। क्या कर मैं रहे थे से उस दिन? बचाव ही कर रही थी, मैं तो एकदम हाथ में रोड़ दिया नहीं, उस दिन उसको। कोई फंक्शन आपके नहीं, यहाँ था? फंक्शन करना था ना बर्थडे का, लेकिन अच्छा, इन्होंने कहा मेरे को भाई को बुला लो, मेरा छोटा भाई, चलो आपसे इतना कह रहा थोड़ा प्यार मोहब्बत बन जाता है। वो कह रहे हम बुलाना नहीं चाहते, ये कह रहे जैसे आपकी इच्छा कर लो जैसे भी है, वो कह रहे हमने करना नहीं है, हम नहीं बर्थडे मनाएंगे। बस थोड़ा सा इनपे थोड़ा सा हाइपर हो अटैक गया, किया जी, हाइपर हो गया, अटैक किया जी, तो मैं तो मतलब बचा ही रही थी, बस उसी के बीच में इन्होंने उसने हाथ पूरा ही मरोड़ दिया। मोड़ दिया और हाँ पूरा, फ्रैक्चर हो गया इसके अंदर। हाँ जी, जहाँ से ज्वाइंट पूरा क्रैक जैसे हो जाता ना, और मांस ये स्किन फट गया जहाँ से, ये और ये ज्वाइंट। अभी पेन है इसके हाँ अंदर? बहुत पेन है, ये तो जरा होते हैं उन्होंने पट्टी करी, आज और करवानी है, तो तीन आपको चार वो बोले। फाइनेंशियली भी सपोर्ट करते हैं, बच्चे नहीं नहीं करते जी, हैं? करते हाँ नहीं, फाइनेंशियल तो नहीं, 100 200 दे दे, बात अलग है, वो मांगना ही हाँ पड़ता है। वांकर भी नहीं मिलते जी। तो दूसरे तरीके से भी कोई टॉर्चर करते हैं आप लोगों को क्या? बस यही है, थोड़ा सा माहौल को खराब कर देते हैं, क्या मतलब, जैसे हमें भी पिंच होता है कि एक जिस पिता ने आपको जन्म दिया है, जहाँ पूरी जरूरतें तुम्हारी पूरी करी, पैसे में बच्चों को पाल, आज 100 200 के लिए भी आप उनको आज ले लो कल ले लो 2 महीने में, आजकल क्या है, तब तक तो आपस में इनका आपस में हो जाता है, गुस्सा तो आता है बड़े को कि मेरे को आने जाने का किराया भी तो चाहिए होता ना हॉस्पिटल जाने के लिए, फिर क्या करें, फिर हेल्प बाहर से लेनी पड़ती है। तो आप लोगों को बाहर से मतलब हेल्प मिल जाती है इनके फ्रेंड ऐसा? हो गए, थोड़े बहुत कर देते हैं। अच्छा, उसी से चलता है काम। जी तो देखा आपने कि बस तंग करते हैं, वीना टेंशन का तो एक डिप्रेशन, घटना है, और बट ये बड़ी यूजुअल चीजें हैं जो आजकल देखने को मिलती तंग हैं करना, तंग करते हैं किस्म कि से बस। अपने ही बच्चे जो हैं माँ बाप को तंग करते हैं, हरेस करते हैं, ट्रोमेटाइज करते हैं, और जरूरत पड़े तो मारपिटाई भी करते हैं। तो ये ये एक दिन का काम नहीं है, 4 5 बजे अटैक है, जब से शादी है तब से ये देख ही रही मैं तो। बड़े शर्म की बात है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में नौजवान लोग समझें कि उनकी भी कोई जिम्मेदारी है माता पिता के प्रति। आज बेटे नहीं करते तो बहुएं भी फिर हाइपर होती हैं हमके, वही तो बात है ना, दो बच्चे सुनाएंगे, दो हाथ बहू में मारेंगे, फिर तो वही हिसाब, और आगे आगे का तो माहौल ही खराब है।